रहीम असरफी पीटीआई सीनियर रहनुमा फैसलाबाद शहबाज गिल की गिरफ्तारी की पर जोर मसम्मत करते हुए इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को मैसेज देना चाहती है कि आपके इन होशे हथकंडों की वजह से या प्रेशराइज की वजह से पीटीआई के कारकुनान जो हक सच की बात करते हैं उनके हौसले कभी नहीं ख़त्म होंगे। आपने 25 मई को भी गिरफ्तारियां की, कारकुनान को प्रेशराइज किया कि तो क्या रिजल्ट मिला? ज़िमनी इलेक्शन में पीटीए के कारकुनान ने बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का साथ दिया, पंजाब में हमारी हुकूमत बनी, अवाम ने भी आप की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या रिजल्ट मिला? पीटीए की जमात ने अवाम को एक क्या कुछ नहीं दिया अपनी हुकूमत में, इतने क्राइसिस भी आए फिर भी पीटीए की हुकूमत ने अवाम को क्या कुछ नहीं दिया? सेहत कार्ड जैसी सहूलत दी, कोरोना जैसी बीमारी में 12,000 गरीब अवाम को पैकेज दिया और पाकिस्तानी अवाम को तहरीक इंसाफ की जमात ने ये शऊर दे दिया कि ये जो जमातें हैं 30-30 साल से तुम लोगों के साथ मुखलिस नहीं हैं, वो चोर और लटेरों की हुकूमतें हैं और ये चोर और लटेरे और गद्दार जो सिर्फ पाकिस्तान को अंधेरों में धकेल सकते हैं, ना कि इनके साथ मुखलिस हैं। और इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की जमात भी सुरखरू होगी कि उन्होंने अपने कायद इमरान खान का सही चूज़ किया था कि वही पाकिस्तानी अवाम के लिए एक मुखलिस लीडर है और जो पाकिस्तानी अवाम को बचा सकता है इन चोरों और लटेरों से। इमरान खान को इंशाल्लाह ताला बार बार वज़ीर आज़म बनाएंगे क्योंकि अब अवाम को भी शऊर आ गया है और इंशाल्लाह ताला हमारा लीडर दो तिहाई अक्सरियत के साथ बढ़ चढ़ कर